तो और यार क्या हाल चाल आ चुका हूँ मैं एक और वीडियो लेके। और गाइज आज वीकेंड खेल रहे क्योंकि वीक का एंड चल रहा है, तो मुझे ध्यान आया कि यार वीकेंड में खेल लेना चाहिए कभी कभी। हमेशा यार रंगली थोड़ी खेलते रहेंगे, वीकेंड में खेल लेते भैया। तो भैया हम उतर चुके हैं बिला में, तो यहाँ पर उतर जाते गन वन लूटते। और भैया गन तो हमको मिल भी चुकी है और बॉट बाबा की बरसात होने वाली है, तो पबजी वालों को आज मेरी केड़ी बढ़ानी थी थोड़ी बहुत। तो पबजी वालों ने सोचा इसके पास वीकेंड के सारे बॉट खेल दिए जाए, तो भैया बॉटों को निपटाते पहले। तो भैया बॉट की वो देख रहे हो मतलब तुम स्ट्रेटजी, मतलब कतई रुकी नहीं रहा, एक जगह चारों बगल घूम घूम के मार रहा मेरे को यार। मतलब बॉट भी आजकल तो भैया स्ट्रेटजी लगाने लग गए, मतलब मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मोमेंटम फायर करने लगे बॉट बाबू ही आजकल। भाई साहब क्या ही बताएं, पबजी के बॉट तो बहुत तगड़े होने वाले धीरे धीरे। क्या खिला रहे हैं भाई पबजी वाले इनको। तो गाइस उधर की तरफ से फायर हो रहा था, तो मैंने सोचा उधर देख के, लेकिन पता चलता भैया साइड में ही हमारे कोई मतलब छुप के बैठा है। और ये बहुत देर से सोच रहा था कि यार किसको मारूं। अब इधर हम इसको चार बंदे दिख रहे थे, तो फाइनली इसने बहुत देर के बाद फायर किया सोच समझ के कि भैया मुझे मार लेता है, मतलब मेरे ऊपर गोली चलाई। फिर इसने जो बहुत देर से सोच रहा है यार ये चार बंदे मैं कौन से को मारूं पहले, लेकिन भैया बहुत देर बाद उसके समझ में आया, तो उसने मारा था। हम इसको निपटा के यहाँ पे आ जाते हैं भाई साहब यहाँ पे, कि वो कुछ बंदे पीछे की तरफ फायर हुआ अभी थोड़ी देर पहले, तो उधर चलते भैया पहले। तो गाइस ये जो गाड़ी है ना जो अब हम अभी चला रहे हैं, मतलब ये गाड़ी भाई साहब बहुत स्पीड से भागती है, मतलब वीकेंड में तुमको कहीं भी पहुंचना है ना इधर उधर इधर से उधर, तो भाई बहुत जल्दी जाती है इधर उधर। लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है बस, ये फटती बहुत जल्दी, इसमें दो पांच गोली लग गई ना तो ये फट जाएगी बस। हाँ पिकअप बहुत तगड़ा है इसका भाई साहब, एकदम स्पीड पकड़ के खतरनाक वाली, और चलती भी बहुत स्पीड में। लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है बस, प्रॉब्लम यही है कि इसको फाड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-12 गोली लगी नहीं और ये फटी भाई साहब। तो उसके बाद भैया इधर कुछ बंदे अभी फायर किया थोड़ी देर पहले, तो उनको देखते हैं भैया चल के, जो कि भैया क्यों लड़ रहे हैं। मैं सोचा क्रेट अभी अभी गिरा जो कि चमक रहा था भाई साहब, तो मैंने कि इधर ही बंदे मरे होंगे। बंदो तो भैया अलग ही जगह पे कहीं ना कहीं पीछे ही है भाई। तो गाइस ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने अभी लगाया हुआ है, मतलब कैसा लगता है आपको, बढ़िया लगता है या फिर मतलब बताना मेरे को कि बढ़िया लगा बैकग्राउंड म्यूजिक। और एक इस वीडियो का जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसमें एक और दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया है मैंने, तो उसको बताना वो अच्छा है तो ये अच्छा है, तो कौन सा यूज करना चाहिए दोनों में से मुझे मतलब कमेंट करके बताना है ये चीज़ दोनों में से कौन सा आपको बढ़िया लगा। और उसके बाद भैया हम यहाँ पे आ जाते हैं कैस्टल में, जहाँ पे भैया पहले से ही फाइट हो रही है, तो हम भी चलते हैं भैया थर्ड पार्टी करने। तो यार तुम इन बंदों के पास मतलब लूट देखना यार, मतलब पता नहीं कहाँ से लूट के आए थे ये लोग, इतना सारा माल ले कहाँ से आया मेरे तो समझ नहीं आई ये बात। तो इन बंदों को तो खैर आते निपटा देते हमारे टीम मेट ही, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब जो बंदे से हमारी मुलाकात होगी मैं इन पर लूट देखना, और ये बंदा कहाँ से प्रकट हुआ भाई साहब, कहाँ पर कैंप कर रहा था इतनी देर से। तो मेरे हिसाब से जो सीढ़ियाँ इनके नीचे छुपक के बैठा था, जैसे मैं ऊपर आया था भाई मतलब धर लिया इसने, लेकिन कोई बात नहीं भाई टीम मेट का कवर अच्छा था जो कि बच गए हम यहाँ पे। तो गाइस जब तुम देखना मतलब लूट इनके पास तो मैं बताऊंगा। मैं अभी इस बंदे को जिसको हमने मारा उसके से मेरे को मिल गई थी AWM, ठीक है। तो भैया अभी इसके कुछ टीममेट और बचे हुए हैं, मतलब उनको निपटाना पड़ेगा भाई जल्दी, देखते जो कि बाहर ही घूम रहे अभी। तो यार ये जो गीली बाबा को मैं निपटाता हूँ, इसके पास देखो कौन सी गन है, तो भैया इसके पास है AWM, ठीक है गाइस। तो AWM और ग्रो जाए इस बंदे के पास, ठीक है। तो इनका एक बंदा और है जिसके फुटप्रिंट की आवाज़ मतलब फुटप्रिंट आने लग रहे ऊपर की तरफ से, तो उसको देखते हैं भैया चल के जल्दी से। तो यार मतलब वीकेंडी का सारा माल इन्होंने ही लूटा था मेरे हिसाब से, 2 AWM मिल चुकी है ना गाइस। अभी तुम देखना इसके पास भी AWM होगी भाई साहब, कहाँ से लाए थे इतनी तगड़ी AWM चुरा के तुम। मुझे लगता है इन्होंने पोर्ट बोस्टों की तरह कोई जगह ढूंढ ली हो इसमें पूरे मैप में, मतलब इसमें एक पोर्ट बोस्टो जगह होती है जिसमें गोपासी होती है, उसमें ऐसी चीज़ें मिल सकती है, मुझे ऐसा लगता है आजकल वहाँ पे AWM मिलने लगी हो। तो यार इतनी AWM ले कहाँ से आए, इन्होंने सारे ड्रॉप लूटे, पता नहीं क्या सिस्टम था भाई साहब, तगड़ी लूट लेके बैठे थे बंदे। तो वो बंदा जब मुझे समझ आ गया इस जगह पे से फुटप्रिंट आ रहे थे, मैं ऊपर आ गया हमने चेक कर लिया भाई ऊपर नहीं है, तो भाई मैं समझ गया बंदा कहाँ पे है, जो कि तुम देखो कहाँ पे गेम कर रहा भाई साहब हमारा। बंदा भाई साहब कतई खतरनाक जगह पे पहुंच गया, लूट दिखा देता हूँ मैं तुमको इसके पास भैया AWM में, तुम विश्वास नहीं करोगे इसके पास। देखो भाई साहब मतलब यार कहाँ से लूट के लाए तगड़ा माल, हमें वो जगह बता दो यार, टिप्स एंड ट्रिक्स के चला हो तो हमको बता दो, हम भी लूट लाए करेंगे यार। और उसके बाद हम यहाँ पे TPP ले रहे होते, सामने कुछ बंदों को मारने की कोशिश कर रहे होते कि भैया यहाँ पे गाड़ी आ जाएगी,
तो गाइस मैंने बोला था ना ये गाड़ी बहुत जल्दी फटती है, मतलब इसको मुश्किल से 4-5 गोली मारी होगी, बस गई गाड़ी इतनी देर में। तो मतलब 4 लोगों ने स्प्रे कर दिया ना इस गाड़ी के ऊपर, फिर तो ये बच नहीं सकती कैसी भी कंडीशन में। तो इन बंदों को तो आते ही निपटा दिया गया, इनको तो पता ही नहीं चला इनकी ज़िंदगी में कब क्या हो गया कैसे हो गया। हाँ जी भाई साहब, क्या देख रहे हो इधर, क्या प्रसाद बट रहा है कि मतलब जो देखे जा रहे हो तुम इधर। भैया मैं इसको मारने लगता हूँ इधर की तरफ से, लेकिन भैया पीछे से किसी बंदे को पता नहीं क्या हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती और गोलियाँ चलाने लगता है, तो इसको देखना पड़ेगा भाई साहब को। तो मेरा टीममेट यहाँ पे क्या करेगा, जो आवेदन है अपना वो पता है क्या करेगा, मतलब उधर की तरफ एक बंदा और नॉक करेगा और वो सोचता है कि वहाँ पर उसने सारे ख़त्म कर दिए, तो वो भाई साहब सीधा ही ओपन से उनकी तरफ चल जाएगा, जो कि धर लिया जाएगा भाई साहब रास्ते में। भाई साहब मैं तो इस घर में जब भी खड़ा हो रहा था ना, तो पीछे वाला भाई बहुत बुरा मार रहा था और दिख और नहीं रहा था कहाँ से मार रहा है। तो भाई जी इसका एक ही इलाज है, इधर स्मोक बीड़ी जला दी जाए जिससे कि उस बंदे का व्यू ब्लॉक हो जाए, फिर उनको मारेंगे आराम से। तो अब देखना तुम AWM के नशे, भाई कौन सी गोली लगी थी इसमें, मुझे लगता है फिर से प्लेयर की गोली लगी भाई आज तो। उस दिन M24 में लगी थी, आज इसमें लगी मेरे हिसाब से प्लेयर की गोली का, मतलब कभी कभी पबजी वालों से गलती हो जाती है, एमओ चेंज कर देते वो एक दो प्लेयर की गोलियां लगा दी मतलब इन्होंने। तो देखो प्लेयर के नशे अब, तो भाई बंदे को एक शॉट मार दिया मैंने, ठीक है। पता नहीं जाना वही बंदा है जाना कौन सा बंदा है, लेकिन मैं एक और मारता हूँ बंदा फिर भी नोक नहीं होता यार, उसी जगह से सेम पीक लेता एक और बंदा। अब जाने वो अलग बंदा था जाने यही बंदा था, कुछ भी हो सकता पता नहीं गाइस, मतलब मेरे हिसाब से तो दूसरा ही होना चाहिए नहीं, दो गोलियों में खैर मर जाना ही चाहिए था, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई दो गोलियां किसी को AWM की पड़ जाए और वो मरे नहीं। तो गाइज मैं तो पीछे का रास्ता पकड़ के इधर आता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट जो है ना भाई उधर ही रह जाते जाने कहाँ पे, और उनको M24 नहीं रह सला पता नहीं क्या चला चला के बहुत बुरी तरह से मार दिया जाएगा। तो भैया अब सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने वाली है, मतलब पबजी वाले कतई धोखा देने वाले हैं अपने को, पता है क्यों, मतलब एक तो ऊपर से तो सिचुएशन ये हो जाएगी लास्ट में, तुम देखो अभी क्या होता है, अभी तो एक कुछ बंदे दिखते हैं तो इनको निपटाते पहले तो जल्दी से। पबजी वाले नहीं, मतलब पबजी वाले क्यों दोस्त दे रहा हूँ भाई मैं, मतलब इसको दोस्त देना चाहिए जो मेरे पीछे आ रहा है, तुम समझ गए क्या आ रहा है मेरे पीछे, समझ गए नहीं हो तो मैं समझा देता हूँ, भैया जो आ रहा है मेरे पीछे ये मेरा इसको दोस्त देना चाहिए मुझे, पबजी वाले क्यों बुरा बोल रहा भाई, पबजी वाले तो बहुत अच्छे, उन्होंने तो गेम बनाया हमारे लिए, मेरे गेम ही नहीं होता तब क्या खेलते भाई, नहीं तो फिर वो ही गाड़ी वाले गेम चलाते हम भाई साहब, ड्राइविंग गेम ढूंढते रहते प्ले स्टोर में जाके। तो भैया यहाँ पे हमारे किल चुरा लिए गए धीरे धीरे, तो हम भी इसको निपटाते जल्दी से, नहीं तो हमारे सारे किल चुरा लेगा ऐसे। तो भैया अब सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने वाली है धीरे धीरे, मतलब अभी तो 5 बंदे बचे हुए थे, तो एक बंदे एक दो बंदे उनको निपटाऊंगा फिर अभी नहीं। तो भैया सामने रिवाइव देने लग रहा बंदा, तो इसको निपटा देते बेचारे को, ये गलती कर दी मैंने, इसको नहीं निपटाता तो शायद वो बंदे बिजी रहते और मेरे को आसानी होती जोन में जाने के लिए, लेकिन भैया जब दिखता है ना सामने कोई तो नहीं रुकता यार, हाथ AWM हाथ में होती है तो मैं मार देता हूँ। और भैया अब सिचुएशन हो गई थी 3v1, तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं इसमें से एक को नॉक कर पाता हूँ तो मैं जोन में चला जाऊँगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे, लेकिन भाई क्या होता है देखो, तो भाई नॉक कर भी देता हूँ भाई मैं, लेकिन क्या ही बताऊँ मैं तुमको, मैं तुरंत जोन के लिए भागता हूँ भी, लेकिन गाइज मतलब क्या कर सकते हैं जब जोन हमारा कतई साथ नहीं दे, कतई दूर चला जाए हमसे। और भाई साहब इस बंदे ने बहुत बुरा पेला मेरे को, चले यार कोई बात नहीं, किल विल तो हमने कहीं ठीक ठाक निकाल लिया, और डैमेज देखो गाइज 1900 का 2000 का यार, मतलब डैमेज इतना फिल कैसे हो गया वहाँ। और उसके बाद भैया एक छोटा सा मॉन्टेज गेम प्ले डुओ वी स्क्वाड का, तो इसके मजे करो तुम लोग। तो भैया यहाँ पे चलिए TPP का प्रदर्शन कर ले कुछ लोग, मतलब TPP का कर ले नहीं, मतलब TPP का प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग, तो उनको देखना पड़ेगा भैया जी। तो गाइज ये जो मतलब अब बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है ये मतलब बढ़िया लगता है कि नहीं आपको, मुझे तो भाई सही लगा इसलिए मैंने आपके लिए लगा दिया, तो खैर सुनो तुम मजे करो उसको, इस गाने को सुनो मतलब मज़ा आ जाएगा तुमको, अलग ही बैकग्राउंड म्यूजिक है ये।
तो भैया यहाँ पे मेरा टीममेट को कोई निपटाएगा, तो मेरे टीममेट का रिएक्शन सुनना कैसे निपटाया उसको। मतलब ये भाई साहब क्या मारा इसने, नहीं सही में भाई साहब गजब मारा इसने। तो भैया मुझे टीममेट बोलता भाई क्या मारा इसने, बहुत गजब मारा। मैंने कि बहुत गजब मारा यार, तो तेरे को मार दिया तू गजब गजब और लग रहा है। मैंने कि कभी भी टीपी बालों के सामने जाना नहीं चाहिए गाइस, टीपी बालों से तो बच के रहना चाहिए। तो हम भी बच के चलते हैं भैया, नेट वेट मारेंगे पहले, ऐसे तो नहीं घुसेंगे। मतलब इस घर में ऊपर कुछ बंदे कैंप करने लग रहे हैं और मेरे दोस्त का फोन आ गया, तो बहुत जबर थोड़ी ऐसी हो गई ऊँची नीची, उसके लिए सॉरी गाइस। और यहाँ पर भैया ग्रेनेड देखा, देख मतलब ग्रेनेड वाला ये नॉक वाला देख के तुमको मज़ा आया होगा, तो लाइक करो सब्सक्राइब करो और कुछ मत करो, तुम सब्सक्राइब जरूर कर लो और शेयर कर दो दोस्तों के साथ भाई लोग वीडियो को, वीडियो को क्या बोल रहा हूँ मैं, वीडियो को बोल रहा हूँ भाई। भैया पुश कर देते हैं और इन बंदों ने मेरे कहते वन एच पी कर देंगे मुझे, तो यार मतलब अब जो होने वाला है ना तुम देखो क्या होता है। भाई साहब मतलब बच गया मैं बस। क्या जब आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच भाई।